वेलकम बैक एवरीवन। सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने की सीरीज़ में आज हमारा लेक्चर टू है और हम मेथड वन पढ़ चुके हैं। आज हम मेथड टू पढ़ेंगे जिसमें होता हमारा फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ वाई डबल एस प्लस पी वाई डैस प्लस क्यू वाई इक्वल टू आर व्हेन इट इज़ रिड्यूस टू नॉर्मल फॉर्म। मतलब हम इसको नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करके तो सॉल्व करेंगे। तो हमारा ये कौन सा मेथड हो जाता है, रिड्यूस टू नॉर्मल फॉर्म। ओके, इसमें हम क्या करते हैं, रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव को हम रिमूव करते हैं। अब आइए हम जानते हैं कि इसके स्टेप्स क्या हैं, इसको करने के लिए स्टेप्स कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये डी टू वाई वाई डबल डैश के कोफिशियंट को वन बनाना है। मतलब आपकी हम जो भी क्वेश्चन आपको दी हो उसमें डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू के कोफिशियंट को आप पहले वन बनाएंगे। ओके, उसके बाद क्या करेंगे, आप कंपेयर विद स्टैंडर्ड फॉर्म। ये जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है उससे कंपेयर करेंगे एंड पी क्यू आर की वैल्यू फाइंड करेंगे। सबसे पहले क्या करना है आपको, डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू का कोफिशियंट वन करना है। उसके बाद कंपेयर करके पी क्यू आर की वैल्यू निकालनी है एंड देन लेट वाई इक्वल टू यू वाई। मान लीजिए कि आपको ये मानना है कि वाई इक्वल टू यू वाई हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन है। ओके, और हमारी u की वैल्यू कैसे निकलती है, u इक्वल टू होता है e की पावर माइनस वन बाई टू इंटीग्रेशन ऑफ p विथ रिस्पेक्ट टू dx। ओके, इस तरह से आप u की वैल्यू निकाल सकते हैं। और i की वैल्यू हमारी कैसे निकलेगी, i इक्वल टू q माइनस वन बाई टू डी पी बाई डी एक्स माइनस पी स्क्वायर बाई फोर एंड s की वैल्यू क्या आएगी, r बाई यू। अब नाउ हम चेक करेंगे आई की वैल्यू कैसी आ रही है, कॉन्स्टेंट आ रही है या कॉन्स्टेंट बाई एक्स स्क्वायर आ रही है। और अगर इफ़ आई इज़ नॉट एनी ऑफ दैम, मेथड इज़ नॉट एप्लीकेबल। हम इसको क्यों चेक करते हैं कि हमारा ये कॉन्स्टेंट आ रहा है कॉन्स्टेंट बाई एक्स स्क्वायर, अगर ये नहीं होता है तो हमारा ये मेथड एप्लीकेबल नहीं होगा। देन हमको इसी पे रुक जाना है एंड दूसरे मेथड को अप्लाई करना होगा। आगे के मेथड को हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ओके, देन अभी तक आपने क्या सीखा, आपको पहले इसके कोफिशियंट को वन बनाना है, डी टू वाई बाई डी एक्स टू के कोफिशियंट को वन बनाएंगे एंड देन उसके पास कंपेयर करके पी क्यू आर की वैल्यू निकालेंगे एंड देन हम मान लेट करेंगे कि हमारा वाई स्कूल टू यू भी हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन है। एंड देन हम इस इक्वेशन की यू की वैल्यू निकालेंगे, आई की वैल्यू निकालेंगे एंड एस की वैल्यू निकालेंगे एंड चेक करेंगे कि आई हमारा कॉन्स्टेंट है या कॉन्स्टेंट बाई एक्स स्क्वायर है। और अगर इन दोनों में से कोई नहीं होता देन हमारा ये मेथड एप्लीकेबल नहीं होगा। ओके, अब हम चेक करेंगे, अगर आई इक्वल टू कॉन्स्टेंट है तो हम क्या मिलेगा, हमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कॉन्स्टेंट कोफिशियंट। एंड अगर कॉन्स्टेंट बाई एक्स स्क्वायर है तो हमारा कैसा मिलेगा आपको सॉल्यूशन, होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल कोफिशियंट। ओके, आपको ये चेक करना है, अगर आई इक्वल टू हमारा कॉन्स्टेंट आता है तो हमें क्या मिलेगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम शॉर्ट फॉर्म में एल डी ए भी कह सकते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कॉन्स्टेंट कोफिशियंट। और अगर कॉन्स्टेंट बाई एक्स स्क्वायर आता है तो हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशियंट। आपको अगर आपको ये चीज़ें सॉल्व करनी नहीं आती तो आप हमारे प्ले लिस्ट सेक्शन में जाकर अच्छे से ये सारी चीज़ें कवर कर सकते हैं, लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ओके, और इन सारी सबकी नोट्स भी मैं अवेलेबल कराऊँगी बस कुछ दिनों में। एंड देन उसके बाद क्या करेंगे, नॉर्मल फॉर्म इज़ गिवन बाई डी टू वी अपॉन डी एक्स टू प्लस आई वी इक्वल टू एस, सॉल्व फॉर वी। जब आपको आई की वैल्यू मिल गई है एंड देन एस की वैल्यू मिल गई है, यू की वैल्यू आपको पता ही है, आपको यहाँ से यू की वैल्यू तो मिल गई है, अब आपको क्या फाइंड करना था, ओनली वी। तो वी हमें कैसे मिलेगा, इस इक्वेशन को सॉल्व करके, डी टू वी अपॉन डी एक्स टू प्लस आई वी इक्वल टू एस। जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको v की वैल्यू मिल जाएगी। तो आपको क्या क्या करना था, जल्दी से मैं समराइज कर देती हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, डी टू वाई बाई डी एक्स टू के कोफिशियंट को वन बनाना है। ओके, एंड देन सेकेंड नंबर आपको क्या करना है, कंपेयर करना है एंड पी क्यू आर की वैल्यू निकालनी है। एंड देन उसके बाद थर्ड क्या काम है आपका, वाई इक्वल टू यू यू वी आपका कंप्लीट सॉल्यूशन है, ये लिख करना है आपको। एंड फोर्थ नंबर पे यू और आई और एस की वैल्यू आपको इस इक्वेशन से निकालनी है, इन तीनों इक्वेशन से। ओके, उसके बाद आपको चेक करना है आई की वैल्यू हमारी कैसी आती है, आई अगर कांस्टेंट हुआ तो हमारा कैसे होगा, एल डी ई विथ कांस्टेंट कोफिशियंट, और अगर कांस्टेंट बाई एक्स स्क्वायर होगा तो कैसा होगा, वेरिएबल कोफिशियंट।
एंड देन इस इक्वेशन को सॉल्व करना है आपको वी के लिए, और जब हमारा यू और वी दोनों की वैल्यू फाइंड हो जाएगी तो हमारा कंप्लीट सोल्यूशन क्या होगा, वाई इज इक्वल टू यू वी। ओके, अब आइए हम इस मेथड पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन है डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू माइनस फोर एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस फोर एक्स स्क्वायर माइनस वन वाई माइनस इक्वल टू माइनस थ्री ई की पावर एक्स स्क्वायर इंटू साइन टू एक्स। ओके, सबसे पहले आपको क्या करना होता था, डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू के कोफिशियंट को वन, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ऑलरेडी हमारा कोफिशियंट वन है, तो हमें इस स्टेप को स्किप करना होगा। और उसके बाद क्या करना होता है, कंपेयर करना होता है। जब आप ये हमारी इक्वेशन होती है, जनरल इक्वेशन ये होती है डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू प्लस पी वाई डैश प्लस क्यू वाई इक्वल टू आर, आपको इससे कंपेयर करना है। एंड क्या करना है, पी की वैल्यू निकालनी थी, क्यू की वैल्यू और आर की वैल्यू, आपको ये तीनों भी फाइंड हो गए। जब आप यहाँ कंपेयर करेंगे, पी की वैल्यू हमारी माइनस फोर एक्स आ जाएगी, क्यू की वैल्यू फोर एक्स स्क्वायर माइनस वाई माइनस वन हो जाएगी, और ये आर की वैल्यू हमारी ये आ जाएगी। ओके, उसके बाद आपको क्या करना होता था, वाई इक्वल टू यू वी का आपको मानना होता था कि हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन है। ओके, उसके बाद हमने तीन इक्वेशन दी थी, उससे हम लोगों को यू आई एस इन दोनों की वैल्यू निकालनी थी, और यू क्या होता था हमारा ई की पावर वन बाई टू माइनस वन बाई टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, तो पी की वैल्यू हमारी क्या है, माइनस फोर एक्स, हमने फोर एक्स माइनस फोर एक्स यहाँ पुट अप कर दी। एंड देन अब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, ये हो जाएगा माइनस वन बाई टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस फोर एक्स डी एक्स, तो ये क्या होगा, माइनस वन बाई टू माइनस फोर, और एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई टू, टू टू ज़ा फोर, और ये प्लस हो जाएगा, और ये टू से टू कैंसिल हो जाएगा, तो हमारी क्या वैल्यू आ जाएगी फाइनली, ए की पावर एक्स स्क्वायर। ओके, ए की पावर एक्स स्क्वायर। एंड नाउ हमारी आई की वैल्यू कैसे होती निकलती है, क्यू माइनस हाफ डी पी बाई डी एक्स माइनस पी स्क्वायर बाई फोर, क्यू की वैल्यू आपको क्या मिली थी, फोर एक्स स्क्वायर माइनस वन माइनस वन बाई टू, डी पी बाई डी एक्स की वैल्यू हमारी माइनस फोर आएगी, माइनस फोर आपने लिख दिया, माइनस वन बाई फोर सिक्सटीन एक्स स्क्वायर इक्वल टू वन। ओके, एंड एस की वैल्यू कैसे निकलती थी, आर बाई यू से, तो ये हमारी आर की वैल्यू ये है और यू की वैल्यू ये है, जब आप इसको इसे डिवाइड करेंगे, यू की वैल्यू सॉरी ये है ई की पावर एक्स स्क्वायर, तो हमारा ई की पावर एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या जाएगा, माइनस थ्री बाई साइन टू एक्स। तो अब आपको मैंने क्या कहा था, इसके बाद आपको क्या करना था, ये चेक करना था आई की वैल्यू कॉन्स्टेंट है ना, तो कॉन्स्टेंट है तो हमारा क्या होगा, हेंस नॉर्मल फॉर्म क्या होगा हमारा, डी टू वी अपॉन डी एक्स टू प्लस वी इजक्वल टू थ्री साइन टी थ्री एक्स। ये कैसे आया, आपकी क्वेश्चन क्या होती है, अगर आपके पास इन सब की वैल्यू निकाली, इसके बाद आपको क्या करना होता है, हमारे वी के लिए क्वेश्चन क्या बनती है, डी टू वी अपॉन डी एक्स टू प्लस आई वी इजक्वल टू एस। ओके, आई की वैल्यू हमारी क्या है, वन है इंटू वी, और माइनस थ्री साइन टू एक्स, अभी हमारा क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कॉन्स्टेंट कोफिशियंट। ओके, जब हमारा आप देख सकते हैं कॉन्स्टेंट आ रहा है, तो हमारा ये कॉन्स्टेंट कोफिशियंट ही होगा। ओके, देन इसका अब इसको आप कैसे सॉल्व करते हैं, अगर ये आपको चीज़ें अभी नहीं आ रही जल्दी से, तो आप हमारे ऊपर की वीडियोज़ को प्रेफर कर सकते हैं, प्लेलिस्ट सेक्शन की वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ से जाके लाइन बाय लाइन आप सारी वीडियोज़ देख सकते हैं। ओके, इसके लिए हमको क्या करना होता था, लीनियर डिफरेंशियल विथ कॉन्स्टेंट कोफिशियंट को सॉल्व करने के लिए हमें पहले ए ऑक्सिलरी क्वेश्चन निकालना होता है, फिर उसके बाद सी एफ एंड देन पी आई, और जब हम सी एफ प्लस पी आई करते हैं तो हमारे डायरेक्टली वो सॉल्यूशन आ जाता है। ओके, अब इसके लिए ऑक्सिलरी क्वेश्चन कैसे निकलेगी, इसकी जगह पे हम क्या करेंगे, एम स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो, यहाँ से एम के रूट्स क्या निकलेंगे, प्लस माइनस आयोटा, और जब हमारे कॉम्प्लेक्स रूट निकलते हैं तो उसके लिए हमारी सी एफ की वैल्यू क्या होती है, सी वन कॉस एक्स प्लस सी टू साइन एक्स। बेहतर यही होगा कि आप इसको सॉल्व करने से पहले हमारे ऊपर की सारी वीडियोस को देखें और अच्छे से समझें, तब ये सब आपको ये इतनी जल्दी से आसानी से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि हमारी सी एफ की वैल्यू हमने कैसे यहाँ लिख दी, सी वन कॉस एक्स प्लस सी टू साइन एक्स। ओके, डिस्क्रिप्शन में आपको सारी लिंक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप ऊपर से देखना शुरू करिएगा, ज़्यादा ज़्यादा मिनट्स की नहीं है, आपको आराम से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ओके, एंड देन पी आई की वैल्यू हमें कैसे निकलती है, वन अपॉन डी स्क्वायर प्लस वन, ये हम यहाँ पे डी की वैल्यू रख देते हैं, इंटू साइन थ्री साइन टू एक्स। ओके, डी स्क्वायर की जगह हम लोग क्या रखते थे, माइनस ए स्क्वायर, और ए क्या होता था हमारा, ये वाला कोफिशियंट।
ओके, तो हमारा -4 जाएगा प्लस 1, ये हो जाएगा -3, ये वाला -3 हम आगे ले गए sin 2x। ओके, तो हमारा ये कैंसिल हो जाएगा और ये हमारा sin 2x आ जाएगा। उसके बाद हमारा v की वैल्यू कैसे आएगी, CF+PI, CF की वैल्यू हमारी ये है और PI की वैल्यू ये है। तो हमारा v की वैल्यू क्या आई, C1 cos x प्लस C2 sin x प्लस sin 2x। ओके, तो हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होगा, y = uv, y = u की वैल्यू आपको यहाँ से फाइंड हो चुकी है ऊपर इक्वेशन से, y² आपकी वैल्यू यू आई थी e की पावर x² और यहाँ पे v की वैल्यू आपको यहाँ से मिल गई, तो हमारा ये हो गया y = ax² e की पावर x² C1 cos x प्लस C2 sin x प्लस sin 2x। ओके ओके देन, थैंक यू गाइज, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।